हेलो फ्रेंड्स, एएमयू सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे एडमिशन लिस्ट फॉर क्लास 11th अंडर एसपीएस डिक्लेयर। तो रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद क्या होगा और क्या करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारे काउंसलिंग प्रोसेस हम इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक और चीज ये बताना मैं भूल गया कि मैंने पुराने वीडियो में, अभी जस्ट इसके नीचे आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें बताया था कि जो रिजल्ट है वो 20 या 25 के पहले ही आ जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था, 40 सेकंड का वीडियो, उसमें कहा था कि 20 तारीख के पहले ही आ जाएगा, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आ चुका है फाइनल और इसको देखते हैं इसमें क्या कितनी लिस्ट है। तो आप यहां पे जाएंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल SFS, ठीक है, इसको ओपन करेंगे। यहां पे 4 लिस्ट है, आप चारों लिस्ट को देखिए। लिस्ट को देखने के बाद अगर आपका नाम इसमें आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं अपना मार्क्स और स्कूल कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है, साइंस है या फिर कॉमर्स है या आर्ट्स है, जो भी कैटेगरी है आप जरूर हमें बताएं ताकि इससे आइडिया लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला, ताकि और भी स्टूडेंट जो होंगे उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और किसी स्टूडेंट्स का नाम नहीं है तो वो भी कमेंट करके बताएं कि उसका मार्क्स कितना था और उसको जो है इसमें एडमिशन लिस्ट में उसका नाम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए जैसा कि आप लिस्ट ओपन करेंगे, लिस्ट ओपन करते ही आपको पता चल जाएगा रोल नंबर, आपको पता चल जाएगा रोल नंबर के आगे और स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, और स्कूल कोड है, ये स्कूल कोड से आप समझ सकते हैं कौन सा स्कूल आपको मिला हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि आपको काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो अलग से आएगा। और काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे ही आएगा मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। उसमें बहुत सिंपल चीजें होती है, कुछ नहीं करना होता है, आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, डॉक्यूमेंट में मार्कशीट हो गई, TC हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और हाँ आधार कार्ड हो गया, ये थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आपको पूरा चांस दिया जाता है, वो लोग चेक करते हैं, अगर कोई मिस्टेक भी होता है तो आपको वो बताते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको दोबारा भी अपलोड करने का मौका मिल जाता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।